हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल लगातार जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसको लेके काफ़ी जो है चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होना है और अभी तक जो है आयोग की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड पुलिस का जो एसआई का फिजिकल है वो भी होना है अगस्त में। लेकिन इसके बीच में जो है आयोग की तरफ से एक बड़ी सूचना जो है आई है, एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। ये कुछ इस प्रकार से है कि जो जुलाई और अगस्त में जो पेपर होने वाले हैं उसमें से कुछ एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो सकते हैं और एक एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो भी गया है। तो उसके बारे में हम आपको जो है आज बताएंगे कौन सा एग्ज़ाम है जो कैंसिल हुआ है। तो एग्ज़ाम कैंसिल होने का क्या कारण है कि उत्तराखंड में जो है कांवड़ यात्रा जो है शुरू होने वाली है। आयोग का इस प्रकार का कहना है कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं वो कुछ इस वजह से किए जा रहे हैं। तो क्या है आज का नोटिफिकेशन वो हम रीड करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधित ऑल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ये चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो आया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो क्या है आज का नोटिफिकेशन, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A1E4 2021-22 दिनांक 11 अगस्त 2021 द्वारा तत्संबंधी विज्ञप्ति संख्या 142 दिनांक 17/9/2021 द्वारा विज्ञापित वन क्षेत्राधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति संख्या 76 दिनांक 9/2/2022 द्वारा घोषित प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम में मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक 23 जुलाई 2022 से 27 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की जो एग्ज़ाम थे उनका जो प्री है वो हो चुका है और उनका जो मेंस था वो 23 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य होना था। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत उक्त मुख्य रिटर्न जो एग्ज़ाम है उसकी तिथि संशोधित करते हुए दिनांक 11/9/2022 से 15/9/2022 तक पुनर्निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसका जो लिखित परीक्षा थी, मेंस एग्ज़ाम था लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का उत्तराखंड में, वो जुलाई में होना था 23 से 27 के मध्य में। परंतु कांवड़ यात्रा जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, तो इस वजह से अब जो ये एग्ज़ाम है इसे जो है 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच जो है किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की जो अन्य भी एग्ज़ाम है हो सकता है उनमें भी कुछ चेंजेज हो जाएं, जो कि जुलाई लास्ट में और अगस्त फर्स्ट में होने हैं। अगर उनमें से कोई एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होता है तो उसकी जानकारी भी हम आप लोगों के लिए जो है लेके आते रहेंगे। तो आज की जानकारी हमारी इतनी ही थी गाइस। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो जो भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा उसकी जो है जैसे ही कंफर्मेशन आती है आगे वो भी हम आपको जो है टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहे आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा ID जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।